अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बाजू पर डिज़ाइन बनाने का तरीका बताएंगे। ये हमारी बुकरम है 11 इंच और जो हमने डिज़ाइन बनाना है वो हमारा होगा 10 इंच। और ये हमने स्ट्रेट लाइन लगाई ये हमने बुकरम के दो पीस लिए दोनों बाजुओं की कटिंग करने। ये हमने इसकी चौड़ाई होगी 1.5 तो हमने ये 1.5 पे निशान लगा दिया। थोड़े थोड़े फासले पे हम 1.5 पे निशान लगा लेंगे ताकि लाइन हमारी सीधी आए और कटिंग भी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये हमने 1.5 पे निशान लगा लिए और इसी तरह हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे इस पर। हम दोनों की इकट्ठी कटिंग करेंगे। हमने कटिंग कर ली है, अब ये हम इसको कपड़े पे चिपकाएंगे। अब हम अपने फैब्रिक पे चिपकाएंगे जो बुकरम की हमने कटिंग की थी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे हाफ हाफ इंच छोड़ के ताकि हमने इसको जब साइड से फोल्ड करें तो हमारे पास कपड़े का मार्जिन हो, हम इसको फोल्ड कर सकें। अब इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हमने इनको सिलाई लगा लिया, अब हम सेम बाजू के साथ अटैच करेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली शोल्डर की और ये हमने इसमें दरमियान में कट दे दिया। अब हम इसे खोल के वो इसके बिल्कुल दरमियान में हम ये जो हमने बुकरम तैयार की है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसके भी दरमियान में हम कट लगा लेते हैं। यहाँ पे रख के अब हम इसको कच्चा कर लेते हैं, एक पिन लगा लेते हैं ताकि बिल्कुल ये दरमियान में रहे और आगे पीछे ना। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ से। हमने दोनों बाजुओं पे सिलाई लगा ली, अब हम इसके अंदर से कटिंग करेंगे। इसी तरह हम दूसरे बाजू की कटिंग।
अब हम इसके दरमियान में कट लगाएंगे दोनों तरफ शुरू कोने में, ताकि यह सीधा आसानी से हो और चुनट भी ना आए। अब हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए हमने अपना बाजू को प्रेस कर लिया है। अब हम इसके अंदर की जो हमने गुड़ियाँ बनानी है वो बनाएंगे। ये हम गुड़ियाँ बनाएंगे। हमारा फैब्रिक है 2.8 इसकी चौड़ाई है और 2.8 ही इसकी लेंथ है। इसके ऐसे हमने डबल किया, तो इसको दोबारा से डबल किया, तो ये हमारी गुड़ियाँ तैयार हो गई। ये देखिए हमने गुड़ियाँ तैयार कर ली। अब हम इनको लगाने का तरीका बताते हैं। ये हमने पेपर लिया है, इस पेपर पे हम लाइन ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हमने गुड़ियाँ लगानी है। ये हम इनको स्ट्रेट लाइन लेंगे 10 इंच तक, ठीक है। हमारा जो डिज़ाइन है वो 10 इंच तक हमने बनाना है बाजू में, और ये 1.5 पे हमने सेम उसी तरीके से लाइन लगा दी थोड़े थोड़े फासले पर। अब हम इस पर कुछ स्ट्रेट इसी निशान पे लाइन लगाएंगे, ठीक है। अब जो निशाना था हमने लगाया, उसके ऊपर हम बिल्कुल इस तरीके से एक एक करके गुड़ियाँ रखेंगे। ये जो इसका कोना है वो बिल्कुल दरमियान में आए। एक के बाद एक हम इसके साथ साथ गुड़ियाँ रखेंगे। ये कोना हमारा इस बिल्कुल इस कोने के साथ आना है, उस जगह पे हमने दूसरी गुड़िया को उसके सामने रखी है। ये देखिए अब हमारे एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बाजू के साथ अटैच करते हैं। ये हमारा बाजू है, इसको हम बिल्कुल इसे इस तरीके से अब हम इसको पिन लगाएंगे, ताकि हमारी सिलाई जो बिल्कुल सफाई से। अब हमने इसको पिन अप कर लिया, अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको डबल सिलाई कराएंगे। ये हमारा बाजू बन चुका है। अब हम इसका पेपर उतार देते हैं। ये देखिए अब हम इस जगह पे छोटे छोटे से ब्लैक पर्ल लगाएंगे। ये देखिए हमने इस पे बहुत छोटे छोटे से पर्ल लगा दिए।
आपको कैसी लगी वीडियो ये हमें ज़रूर बताना, और डिज़ाइन कैसा लगा आपको।